टुडे दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. ओके सो यू हैव सीन सर्वल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. आपने आपकी नजरों से देख सको वैसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखे हैं. However, there are other living ऑर्गेनिज्म अराउंड us. इनके सिवाय भी और भी कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी. दिस आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम डायरेक्टली हमारी आईज के थ्रू नहीं देख सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है. ओके जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल हियर you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greasy white patches. Means, कि जैसे अभी देखो बारिश का सीजन चल रहा है, आप कोई भी खाना बाहर रख दोगे. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है ब्रेड. ओके तो क्या होता है अगर आप उनको अभी एटमोस्फियर में क्या है, मॉइस्ट बहुत ज्यादा होता है यानी कि भीग वाला वातावरण है, तो आपकी ब्रेड पे आप देखोगे कुछ दिनों बाद ग्रीन या व्हाइट कलर के पैचेस देखने मिलेंगे, धब्बे देखने मिलेंगे. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. जो आप डायरेक्टली नहीं देख पाओगे आप उसको माइक्रोस्कोप का यूज करके या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देख सकते हो. यू विल सी देयर अ टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर यानी गोल गोल कुछ ब्लैक बने हुए ब्लैक कलर के आपको कुछ पैचेस दिखेंगे या धब्बे जैसे दिखेंगे. तो ये सब क्या है इसके ही बारे में आज आपको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जो आपको घर पे करना चाहो तो इजीली अवेलेबल है. ओके तो ये जो दो एक्टिविटी है उसमें ऐसा है कि आपको कहीं से गीली मिट्टी मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड द वॉटर टू इट यानी आपको कहीं से मिट्टी लानी है उसके बीकर में रखनी है और थोड़ा सा पानी डालना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ द वॉटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाट डू यू सी. ओके तो कुछ देर आप अगर इन मिट्टी और पानी को रख दोगे तो आपने आगे पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 6 में स्टैंडर्ड 7 में कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हैवी ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आपको पानी देखने मिलेगा. ओके तो ये जो माइक्रो आप इस जो पानी का कुछ ड्रॉप्स लेके माइक्रोस्कोप में रखोगे इसकी पूरी एक सिस्टम होती है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए. तो आपको एक स्लाइड दी जाती है कांच की लंबी पट्टी उसके ऊपर आपको एक दो ड्रॉप डालने हैं उसके बाद उसके ऊपर एक छोटा स्लाइड रखना होता है जिसे कवर कहते हैं. ओके उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप के मेन जो स्क्रीन है उसके नीचे रखना होता है. तो आपको क्या देखने मिलेगा ये आपको ऑब्जर्व करना है. इसके बारे में आपको पूरे आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में. ओके उसके बाद आपको दूसरी एक्टिविटी के लिए पहले हमने लिया मिट्टी वाला पानी. ओके देन आपको कुछ पानी पॉन्ड से लेना है यानी जहां भी कहीं पानी भर जाता है कहीं या फिर आपके आसपास कहीं पॉन्ड हो तो वैसे जगह का पानी कलेक्ट करना है और उसमें से थोड़ा सा पानी लेके स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है. तो आपको उसमें कुछ छोटे छोटे जीव जंतु टाइप मीन्स जीव जंतु भी नहीं कह सकते इंसेक्ट्स आर क्लियर टू सी यानी हम उन्हें देख सकते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स टाइनी ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलेंगे. तो वो क्या है इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड द सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म यानी कि वो पानी कैसे थे गंदा था मिट्टी गंदी थी जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने मिले. थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स यानी कि सारे को आप माइक्रोब्स नहीं गिन सकते क्योंकि कुछ क्या होते हैं जैसे कि हमने सॉइल वाटर लिया है तो जो न्यूट्रिशन हम प्लांट्स को देते हैं तो वो हमेशा सॉइल में होता है या सॉइल में कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं सॉलिड्स होते हैं तो वो होते हैं कुछ होते हैं माइक्रोब्स. ओके तो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर नॉट स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएड आईज यानी इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो. सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन द बेड कैन सीन विद द मैग्नीफाइंग लेंस कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं
और दूसरे कुछ ऐसे हैं जिनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जूम करके देख सकते हो। आजकल लोग फोन का ज्यादा यूज करते हैं उसके लिए। अदर कैन बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, यानी इसकी वजह से, क्योंकि हम इनको माइक्रोस्कोप की ही थ्रू देख सकते हैं। माइक्रो इज द, जैसे हमने आज तक में देखा है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो ये सब क्या है, ये बड़े फॉर्म है। तो माइक्रो क्या है, उन्हीं चीज साइज का एक छोटा फॉर्म है। तो जो छोटी चीज है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू देख पाते हैं और खास माइक्रोब्स को ही देख सकते हैं, इसलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप, इनको फोर मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, बैक्टीरिया के बारे में हम सब जानते हैं। सेकेंड वन इज फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये चारों के बारे में हम आगे डिटेल में इसी चैप्टर में इंफॉर्मेशन लेंगे। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। ओके, तो मैं आपको पहले फिगर्स के थ्रू समझाना चाहूंगी। तो 2.1 से हम स्टार्ट करें, तो ये है बैक्टीरिया आपको दिए हैं जो शेप की वजह से डिवाइडेड हैं। आप देख सकते हैं कुछ सिलेंड्रिकल शेप में हैं एंड सम वंस आर लाइक ओके विदाउट शेप भी होते हैं। सेकंड एल्गी दी हुई है, स्पाइरोगायरा। एंड थर्ड आपको दिया है प्रोटोजोआज। प्रोटोजोआज में अमीबा है, पैरामीशियम दिया हुआ है और फंगी के थ्री टाइप्स ही। तो जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स है, और तो ऐसे न जाने कितने एल्गी हैं, बैक्टीरियाज हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन होते हैं। पेनिसिलियम है, एस्पर्जिलियम है और ब्रेड मॉल्ड है। ओके, तो ये मेन फोर टाइप है। अब इसके बाद हम अभी बात करेंगे वायरस की। तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो डिफरेंट है। तो वो किस चीज से डिफरेंट है या किस वजह से अलग होते हैं उसके बारे में देखते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनको कहीं भी रहने के लिए किसी एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसा कहते हैं कि एक वायरस में से दूसरा वायरस बनने के लिए उनको एक होस्ट का होना बहुत जरूरी है। ओके, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो वो बैक्टीरिया के ऊपर भी वायरस हो सकते हैं, प्लांट में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू एंड द मोस्ट कफ आर कॉज बाय द वायरस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय द वायरस। तो आपको यहाँ पे कुछ बीमारियां बताई गई है जो होती है वायरस की वजह से, जिसमें कॉमन हम सबको पता है कि कोल्ड यानी कि सर्दी हो जाना। किसी पर्सन जो जिनको सर्दी होती है, अगर हम उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो हमें हो सकती है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना होता है, बहुत आसानी से होता है। अभी आपको रिसेंटली में पता है कि कोरोना वायरस इज अ ऑल्सो काइंड ऑफ वायरस जो बहुत जल्दी आसानी से फैल जाता है। और इनको, जैसे कि वायरस के बारे में बता रहे हैं, तो इनको हमेशा होस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी आपके अंदर एंटर होने के बाद ही इनके नंबर्स बढ़ते हैं। सो दिस इज लाइक डायसेंट्री एंड द मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआज। वेर एवर टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इज इक्वल टू टीबी, आर बैक्टीरियल डिसीज, यानी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में है डायसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआज को मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो, जैसे इसमें लिखा है मलेरिया, यानी इसमें एक मेन होस्ट है, वो है जैसे कि मॉस्किटो। ओके, तो ये सब कोई एक मेन होस्ट होता है या कोई एक मेन इंसेक्ट होता है जो आपको अफेक्ट करेगा। वेदर द टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। कैसे, तो आपने देखा होगा कि टाइफॉइड में आपको चांदे पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि अंदर आपको इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर। तो ये सब के लिए एक, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है जो अगर इधर इधर से उधर घूम के आपको अफेक्ट करता है। तो यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोजम इन द
माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आई आपके आगे क्लास में आगे की क्लास में भी आपने ऐसी बेसिक नॉलेज लिया है वही आपको इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन ये आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, वायरसेस बताए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ सिंगल सेल, यानी वो एक सेल के भी बने हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सेल के भी बने हो सकते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ सिंपल सेल लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। सम आल्गी एंड द प्रोटोजोआ आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कुछ आल्गी या हर चीज क्या है, कोई वन सेल है कुछ मल्टी सेल्यूलर है। ओके, सच एज मैनी आल्गी एंड फंगी, यानी आपको यहाँ कहा गया है कि जैसे कि आपने कुछ आल्गी के बारे में सुना है, फंगस जो होते हैं वो एक से ज्यादा सेल के बने हुए थे तभी वो ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। दे लीव इन द ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, और वो कोई भी एटमोसफियर में जिंदा रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू अ हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि ठंडे एरिया से लेके वो कितने भी गर्म स्प्रिंग क्यों ना हो वो रण प्रदेश में भी जिंदा रह जाते हैं। एंड डेजर्ट टू मर्सी लैंड, यानी डेजर्ट जैसी सूखी जमीन पे से लेके मर्सी लैंड यानी कि भिनास वाली जगहों पे या गीली जगहों पर। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इंक्लूड ह्यूमन, यानी कि ऐसे फंगस हमारी बॉडी में, बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में भी होते हैं। कुछ आर ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, कुछ ह्यूमन से ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वायरस को हमेशा एक होस्ट सेल की जरूरत होती है, जबकि कुछ क्या होता है जैसे फंगस ये सब क्या है सिर्फ एटमोसफेयर में होती है, आपके खाने पे लग जाती है, तो वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। ओके, नाउ अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, तो ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना ठीक है या कहाँ हमें अफेक्ट करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, जैसे मैंने आगे कहा कि कुछ हमारे लिए जरूरी है हमारी बॉडी में, वेदर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, यानी वो हमें बीमार कर सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, यानी अब इसके बारे में हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ कुछ आपको दिए हुए हैं कि कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, हम ऐसा नहीं है कि हम उनका डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक, आपने देखा होगा कि लोग कर्ड जमाने के लिए या तो थोड़ा सा यीस्ट डालते हैं या फिर पहले की कोई कर्ड लाके डाल देते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप जम जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिन द एजेस, ये आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सालों से इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ द एनिमल एंड द फेसेस एक्सेट्रा, तो वो हमारे वो किस तरह से यूज होते हैं एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, यानी कि क्या जैसे कचरा हम फेंक देते हैं तो उनको सड़ाने का काम, उनको गलाने का काम और उनको जमीन के साथ मिक्सअप करने का काम भी क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने खाने का छिल्फ वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो फेंक देते हैं, कुछ जो एनिमल्स जो मर जाते हैं वो जमीन पे पड़े रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं उन्हें डिजोल्व कर देते हैं या फिर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया, तो ये जो चीजें हैं जिनका हम यूज नहीं करते उनको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ये सबको यूजेबल बनाते हैं। Recall that the bacteria are also used in the preparation of the medicine. तो medicines बनाने के लिए भी ये use होते हैं। In the agriculture they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. इसका fixing nitrogen के बारे में आपने आगे standard 7 में या 6 में पढ़ा होगा कि rhizobers करके जो bacteria होते हैं जैसे कि nitrogen atmosphere में present होता है
बट प्लांट्स उनको डायरेक्ट एयर थ्रू ले नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ राइजोबर्स को अपने जो रूट्स होते हैं उनमें रहने की जगह देते हैं, और फिर राइजोबियम क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, यानी वो उसको घर देता है तो वो उसको खाना देता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है आगे के स्टैंडर्ड में। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग द कर्ड एंड द ब्रेड। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट, हाउ मिल्क इज टर्न इंटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है आपको, लैक्टोबिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, यानी ये इम्प्रूव करता है या हेल्प करता है कर्ड को, सॉरी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इन टू कर्ड। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम। एंड इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली, भटूरा इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? तो आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि सूजी, इडली या भटूरा बनाते के टाइम लोग उसमें क्या डालते हैं, कर्ड। तो कुछ टाइम बाद वो फ्लफी हो जाता है या उनकी साइज इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड द डोसा बैटर। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बताई गई है जो आजकल बहुत फेमस है, ऐसे कह सकते हैं। टेक अ हाफ के जी फ्लोर और मैदा, एड सुगर। सबको पिज्जा खाने का शौक होता है, तो उसके लिए जो बेस रेडी करते हैं उसमें आपने देखा है कि वो लोग कुछ यीस्ट जैसा ब्राउनिश येलो कलर का यीस्ट डालते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद रख दो तो वो आटा एकदम फ्लफी हो जाता है या आपका फ्लोर एकदम हाई हो जाता है। टेक हाफ के जी फ्लोर मैदा, एड सम सुगर, मिक्स विद वार्म वाटर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यीस्ट और सुगर के बीच में क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और हॉट वाटर। तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया ही इसमें काम करते हैं। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, नेड एंड मेक अ सॉफ्ट डो। नेड यानी कि गूंदना है और आटा बनाना है आपको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहे होगा कि पहले जब आप आटा सान के छोड़ देते हो उसके बाद आप मैदा रख देते हो तो वो फ्लफी हो जाता है, या क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस द रैपिडली एंड द प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। उसके अंदर क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एंड वो फ्लफी आपको लगेगा। आप थोड़े टाइम बाद बैठे दबाओगे ना तो वापस से वो अपने सेम साइज में आ जाता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। ओके, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।